गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसके पार्ट नंबर 8 तक हमने कर लिया था। आज हम 9 नंबर पार्ट की बात कर रहे हैं। हम कर रहे थे विन्यास का प्रतिपन व अप्रतिपन। अगर किसी किरेल कार्बन से जुड़े हुए चारों समूह में से किसी समूह का अगर प्रतिस्थापन करवाते हैं, तो प्रतिस्थापन करवाने से उस किरेल कार्बन का विन्यास अगर बदल जाता है तो उसे बोला जाता है विन्यास का प्रतिपन, और अगर विन्यास नहीं बदलता तो उसे बोला जाता है विन्यास का अप्रतिपन। प्रतिपन हमारा कंप्लीट हो गया था और विन्यास का अप्रतिपन हम कर रहे थे, जिसके अंदर पड़ोसी समूह का योगदान, ये हमने कर लिया था। पड़ोसी समूह का योगदान क्या होता है अप्रतिपन के अंदर, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में अब 2 नंबर जो आता है वो आता है SN1 मैकेनिज्म द्वारा प्रतिस्थापन। अगर हम देखिए, नाभिक से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, SN2 व SN1, ठीक है। SN2 तो हमने बाल्डन प्रतिपन के अंदर पढ़ लिया विन्यास के प्रतिपन में, और SN2 मैकेनिज्म द्वारा जो प्रतिस्थापन होता है उसमें विन्यास बदलता नहीं है। जैसे हमारे पास में ROH यानी कि एल्कोल की थायोनिल क्लोराइड के साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पर हमें RCl SO2 बाहर निकल जाती है, HCl बाहर निकल जाता है। यहाँ पर जो प्रतिस्थापन हुआ है वो क्या है, SN1 मैकेनिज्म द्वारा, तो इसमें विन्यास नहीं बदलता। जैसा विन्यास पहले था वैसा ही रहता है। जैसे इसके मैकेनिज्म को करके देखें हम किरेल कार्बन बना करके, तो जैसे हमारे पास ये कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ C6H5 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो Cl है, और ये सल्फर थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, थायोनिल क्लोराइड, तो थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवानी है हमें, किसके साथ में, थायोनिल क्लोराइड के साथ में। तो देखिए, इसके साथ में ये Cl जुड़ जाएगा और ये Cl, ये क्या है SOCl2, क्या है SOCl2। इसके अंदर देखिए, यहाँ पर ये एल्कोल है भाई, यहाँ पर अपने H और Cl को बाहर निकाल देते हैं, किस फॉर्म में, HCl की फॉर्म में, तो यहाँ पे CH3 C6H5 जैसे थे वैसे ही रहेंगे कार्बन के साथ, ये H और ये O और OS डबल बॉन्ड O और Cl, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमें ये कार्बन पॉजिटिव और इसके साथ में C6H5 और CH3 ये रहेगा, प्लस SO2 और Cl नेगेटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और ये CH3 C6H5 और H और इसके साथ कार्बन के साथ Cl जुड़ जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया होती है वो SN1 मैकेनिज्म के द्वारा होती है। SN1 मैकेनिज्म के द्वारा विन्यास का अप्रतिपन होता है, यानी कि विन्यास बदलता नहीं है। तो ये था हमारा टॉपिक विन्यास का प्रतिपन व अप्रतिपन, कंप्लीट हो जाता है ये टॉपिक यहाँ पर। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक या छोटी छोटी डेफिनेशन मानो आप, एक है आपेक्षिक व निरपेक्ष विन्यास,
आपेक्षिक व निरपेक्ष विन्यास, भी आपेक्षिक विन्यास कौन सा होता है और निरपेक्ष विन्यास कौन सा होता है। तो देखो, एक कार्बन है और उस कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो ग्रुप आकाशीय व्यवस्था में सही प्रकार से जुड़े हुए, मतलब आकाशीय व्यवस्था के अंदर जो संरचना होती है वो तो क्या होती है, उसका निरपेक्ष विन्यास होता है। लेकिन कई यौगिक जैसे ध्रुवण घूर्णक यौगिक होते हैं, कोई डी होता है, कोई एल होता है, कोई दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, कोई वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, कोई डेक्सो रोटेटरी होच लीवो रोटेटरी, इस निरपेक्ष विन्यास को आधार मानकर जो विन्यास ज्ञात किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपेक्षिक विन्यास। तो यहाँ तो इनकी तो सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी है। फिर उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अनुक्रम नियम, जो हमने बोर्ड पर लिख रखा है अनुक्रम नियम। इसे अनुक्रम नियम भी बोल सकते हैं या कोहेन इनगोल्ड प्रीलोग का अनुक्रम नियम भी बोल सकते हैं। कोहेन इनगोल्ड प्रीलोग साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था इसे। ये अनुक्रम नियम क्यों बनाया गया, एक कार्बन की चार संयोजकता और उस चारों संयोजकता के साथ इनमें से कोई भी ग्रुप जुड़ा हो सकता है, तो हमें प्रत्येक ग्रुप के लिए एक स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए कि वो किस प्रकार किस प्रायिकता में जुड़े हुए हैं। तो इनको आप मानो कि घटती हुई प्रायिकता मानो या बढ़ती हुई, क्योंकि हम ऐसे चलेंगे तो घटेगी और यहाँ से चलेंगे तो ऐसे बढ़ेगी। तो इनको घटती या बढ़ती प्रायिकता के आधार पर दोनों का नाम ले सकते हैं हम, घटती या बढ़ती प्रायिकता के आधार पर प्रत्येक ग्रुप को इस तरीके से व्यवस्थित कर दिया कि जो यहाँ पर है वो सबसे ज़्यादा प्रायिकता वाला है, फिर धीरे धीरे प्रायिकता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये अनुक्रम नियम क्यों दिया गया, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाशीय समावयता पढ़ रहे हैं। अभी तक हमारी प्रकाशीय समावयता ही चल रही है, उसके अंदर आएगा आरएस नामकरण, फिर प्रकाशीय समावयता कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम पढ़ेंगे ज्यामिति समावयता, उसके अंदर आएगा ईजेड नामकरण। तो जो प्रकाशीय समावयता का आरएस नामकरण है और ज्यामिति समावयता का जो ईजेड नामकरण है, इस नामकरण को करने के लिए या इस नामकरण के अकॉर्डिंग कार्बन से जो जुड़े ग्रुप जो होते हैं उनको एक सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए इन ग्रुप का एक अनुक्रम नियम बनाया गया कि भी उसमें इन ग्रुप में से भी इस कार्बन की प्रायिकता तो सबसे ज़्यादा होगी और इसकी प्रायिकता सबसे कम होगी, या इसकी दो नंबर पर होगी या इसकी तीन नंबर पर होगी, क्योंकि एक कार्बन है और उसके साथ में कीरेल कार्बन के साथ चार ग्रुप जुड़ सकते हैं, तो उन चारों ग्रुप की प्रायिकता को डिसाइड करना एक दो तीन चार नंबर पर, तो उसके लिए ये नियम बनाया गया था अनुक्रम नियम या कोहेन इनगोल्ड प्रीलोग का अनुक्रम नियम। इसके आधार पर इन ग्रुप की प्रायिकता निर्धारित की गई। अब देखिए, मैं आपको कह दूं कि इतना बड़ा अनुक्रम बनाया गया है, ये आपको ऐसे की ऐसे याद करना है, हो सकता है याद तो करने को, तो हम पूरा बोर्ड पे कुछ भी लिखा हो वो भी याद कर सकते हैं। तो ये अनुक्रम नियम ऐसे कैसे, मतलब आई जहाँ पर आ रहा है तो वहीं पर ही आना चाहिए, आई जहाँ पर आ रहा है तो वहीं पर ही आना चाहिए। देखो, आई की प्रायिकता सबसे ज़्यादा, फिर बी आर, यहाँ सी एल आएगा, आई बी आर फिर सी एल, सी एल से फिर थोड़ी कम एसओ थ्री एच की, फिर एस एच की, फिर एफ की, फिर ओ सी ओ आर की, फिर ओ आर की, फिर ओ एच की, ओ एच से कम एन ओ टू की, एन ओ टू से कम एन आर थ्री की, एन एच आर की, एन एच टू की, सी ओ आर की, सी ओ एच की, सी ओ आर की, सी एच ओ की, सी एच टू ओ एच की, सी एन की, पी एच की, सी आर थ्री की, सी एच आर टू की, सी एच टू
2R की CH3 ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन का समस्थानी फिर हाइड्रोजन, ये एक अनुक्रम नियम बनाया गया है। अब देखो एक कार्बन हो मान लो, इसके साथ में यहाँ आई जुड़ा हुआ है, यहाँ NO2 जोड़ दिया, यहाँ COH जोड़ दिया, यहाँ OH। अब आप उस अनुक्रम नियम को लिखना पड़ेगा या तो रफ कॉपी में या उसको याद करना पड़ेगा, इतना बड़ा। अब उसमें देखो आई सबसे पहले आ रहा है तो एक नंबर इसको दे देंगे, ठीक है। ऐसा मैं करवाऊंगी आपको एग्जांपल, एक बार मैं बता रही हूँ कि प्रायिकता को कैसे डिसाइड करोगे आप। फिर देखो आप इतना सारा जाओगे, फिर आप ढूंढोगे NO2 आ रहा है या OH आ रहा है, पहले OH आ रहा है, दो नंबर इसको देंगे, फिर तीन नंबर इसको देंगे, फिर COOH बाद में आ रहा है, चार नंबर इसको। ऐसे प्रायिकता डिसाइड करनी होती है, ठीक है। यही एग्जांपल हम दोबारा लिख लेते हैं, चलो आई फिर NO2 सेम यही, फिर OH और फिर COOH। अब मैं आपको एक बात बताऊं क्या, इतना बड़ा अनुक्रम में नियम मैंने लिखा है, मैं आपको बोल रही हूँ याद करने का, तो आपको ये याद नहीं करना। ये तो एक अनुक्रम नियम होता है, ठीक है, किसी को याद हो तो करो, वरना हमारे पास एक ट्रिक और भी है करने की, हम इसको याद नहीं करेंगे। अब देखो मैं आपको उस अनुक्रम नियम के अनुसार हमने ये निर्धारित किया है ना, ऐसा ही हम निर्धारित यहाँ भी करेंगे। नंबर ये मैं बता रही हूँ वो नंबर और ये नंबर सेम आएंगे, ये तो हमने अनुक्रम नियम के अनुसार निर्धारित किए हैं, ये मैं मेरे अनुसार बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब आप देखो इनमें परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा किसका है, अब देखो इसका परमाणु क्रमांक तो 8 होता है ऑक्सीजन का, इसका 6 होता है, इसका 7 होता है, आई का तो और भी बहुत पहले होता है, क्योंकि वर्ग नंबर जो 70 है उसमें एफ सी एल बी आर और आई कितना नीचे आता है, मतलब उसका तो बहुत ज़्यादा है। तो एम जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है उसको प्रायिकता ज़्यादा देंगे, ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाला फर्स्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद में परमाणु क्रमांक किसका कम है, इससे इसका, तो ये दो नंबर आ जाएगा, फिर ये तीन नंबर आ जाएगा और ये चार नंबर आ जाएगा। अब आप देखो इसमें और इसमें मुझे कुछ फर्क नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे आपको निर्धारित करने हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इस नामकरण को तो हम करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैंने अनुक्रम नियम के बारे में बताया, नामकरण करेंगे ना तब भी बताऊंगी आगे क्या करना है, अभी अनुक्रम नियम को पढ़ा रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद भी पहले हम नामकरण का DL विन्यास पढ़ते हैं, नामकरण का कैपिटल डी और एल, कैपिटल एल विन्यास भी, ये कब निर्धारित होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक तो CHO और ये कार्बन और H और OH और CH2OH, ये क्या है, गिल्सरेल्डिहाइड है, क्या है, गिल्सरेल्डिहाइड है, ठीक है। और एक ये हमारे पास ये भी गिल्सरेल्डिहाइड है, कुछ फर्क दिख रहा है दोनों में, कुछ भी फर्क नहीं है, लेकिन बहुत कुछ फर्क है। इसमें H और OH इस साइड में है, इसमें OH इस साइड आ गया। अब आप बताओ, ये तो आप बता सकते हो भी ये डेक्स रोटेटरी है, ठीक है, ये लीवर रोटेटरी L से शो कर दोगे, या फिर हम इसको पॉजिटिव से शो करते हैं D को, और स्मॉल L होता है उसको नेगेटिव से शो कर देते हैं, स्मॉल D और स्मॉल L और पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ फर्क नहीं है, इनमें से कोई सा भी लिख सकते हो। लेकिन इसके अंदर डी विन्यास आएगा या एल, हम ऊपर से नीचे लास्ट वाला कार्बन देखते हैं, ये कार्बन है, इसके पास कौन सा कार्बन है, ये कार्बन, इतना ही निर्धारित करते हैं, ठीक है। अगर एच इस साइड है, OH इस साइड है, तब तो डी लगेगा, कैपिटल डी गिल्सरेल्डिहाइड। अगर एच इस साइड है, OH इस साइड है, तब क्या लगेगा, एल, तो ये एल गिल्सरेल्डिहाइड है। तो देखो एक डी तो ये हो गया, एक डी ये हो गया, एक एल ये हो गया, एक एल ये हो गया, कंफ्यूज मत होना, ये डी और एल और इस डी और एल में हम अंतर पढ़ेंगे, क्या क्या अंतर है वो भी देखेंगे। फिलहाल हम डी एल, कैपिटल डी एल विन्यास को देख रहे हैं,
देखो आपके पास जैसे ग्लूकोज होता है CH और दो नंबर कार्बन के साथ H और OH और तीन नंबर कार्बन के साथ OH और H और चार नंबर में H और OH और पांच नंबर में H और OH और यहाँ पर क्या लगा होता है CH2OH और ये क्या होता है ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। और दूसरा फ्रक्टोज की बना ले, ये सी डबल बॉन्ड O और ये कार्बन H OH और H और H और OH और ये H और OH और यहाँ पर होता है CH2OH। ये ग्रुप जिसके साथ लगा है उस कार्बन को देख लेते हैं, हमें तो नीचे से डिसाइड करना है लास्ट कार्बन के पास वाला, इसमें H और OH इस साइड में है तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव लगा होता है इसके अंदर और इसके अंदर ये फ्रक्टोज है, ये नेगेटिव, कहने का मतलब है ये पॉजिटिव नेगेटिव तो किसको शो कर रहे हैं, डेक्सोरोटेटरी लिबरेटरी को, ये तो लिखा होता है, इसके आगे भी डी लिखा होता है और इसके आगे भी डी लिखा होता है, वहाँ तो चलो दोनों बदल गए थे हमने बी डी डी आ गए एल एल। अब देखो ये तो कैपिटल डी है और ये स्मॉल डी, यहाँ कैपिटल डी और स्मॉल एल आ गया, फर्क नहीं हुआ क्या, ये तो डेक्सोरोटेटरी लिबरेटरी को शो करेगा, दक्षिणी ध्रुवण गुणक और वाम ध्रुवण गुणक को शो करेगा, ये तो पहले से डिसाइड है, हम तो इसकी बात कर ही नहीं रहे हैं, हम तो किसकी बात कर रहे हैं डी और एल विन्यास की, क्यों, क्योंकि एच इस साइड है ओ एच इस साइड है तो डी होगा और एच इस साइड है ओ एच इस साइड है तो डी होगा, तो डी और एल विन्यास को ऐसे निर्धारित किया जाता है। तो ये था नामकरण का डी एल विन्यास कैसे निर्धारित करते हैं। फिर उसके बाद में एक तो कैपिटल डी हो गया, एक स्मॉल डी हो गया, एक कैपिटल एल और स्मॉल एल, इनमें अंतर, ये दोनों क्या चीज है, ये दोनों विन्यास को शो करते हैं, ठीक है, और ये दक्षिणी ध्रुवण गुणक को शो कर रहा है, दक्षिणी ध्रुवण गुणक को शो कर रहा है, ये वाम ध्रुवण गुणक को शो कर रहा है, कहने का मतलब है कि कैपिटल डी और एल तो क्या करते हैं, नाम के पहले डी या एल उसके विन्यास को बताते हैं, उसकी संरचना को बताते हैं, ठीक है, मतलब कैपिटल डी और एल क्या करते हैं, विन्यास को बता रहे हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुवण गुणक और वाम ध्रुवण गुणक डेक्सोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी क्या करते हैं, इनके प्रकाशिक गुण को शो करते हैं, क्या करते हैं, प्रकाशिक गुण को शो करते हैं। दूसरा अपने जो ये तो डी और एल विन्यास को ही बता रहे हैं, लेकिन डी और एल ये क्या करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के को दक्षिण की ओर घुमा देते हैं, तो दक्षिणी ध्रुवण गुणक डेक्सोरोटेटरी से शो किया जाता है और बाईं ओर घुमा देते हैं तो वाम ध्रुवण गुणक लिवोरोटेटरी की तरह शो किया जाता है, तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं इनको, ठीक है। और जो कैपिटल डी और एल जो होते हैं ना वो सैद्धांतिक घटनाएं थियोरटिकल वैल्यू को शो करते हैं, लेकिन डेक्सोरोटेटरी लिवोरोटेटरी को हम प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, वो एक प्रायोगिक गुण को शो करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास पोलेरीमीटर होगा, ध्रुवण मापी होगा, तो हम दक्षिण की तरफ घूम रहा है या वाम दिशा में घूम रहा है, दक्षिणी ध्रुवण गुणक है या वाम ध्रुवण गुणक है, तो उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये था डी डी और एल एल में अंतर क्या है ये सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद में अब आता है हमारा अनुक्रम नियम के अकॉर्डिंग आर एस नामकरण, प्रकाशीय समावेता का नाम लिखना है तो आर एस नामकरण की जरूरत पड़ेगी। आप सभी बच्चों के पास नोट्स की पीडीएफ पहुंच गई, आप नोट्स बना रहे हो और मैंने आर एस नामकरण के बाद में दो पेज खाली छोड़ रखे हैं, वो आपके लिए छोड़ रखे हैं कि एग्जांपल आप खुद करो वहां पर,
क्लास में भी मैं खुद ही करवाती हूँ, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिखकर नहीं भेजे हैं। मैं यहाँ कराऊंगी ना वो एग्जाम्पल, कुछ तो आज करेंगे हम, कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए आर एस नामकरण, आर और एस दो अलग अलग शब्द, ठीक है। आर का मतलब रेक्टस, रेक्टस रेक्टस का मतलब दायां, दायां का मतलब क्लोक वाइज, क्या होता है क्लोक वाइज। अगर क्लोक वाइज आता है तो हम उसको आर नाम देते हैं। आपको एग्जांपल दिए जाएंगे, पेपर में भी आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं कि पूछा जाता है कि इसका विन्यास या इसका नामकरण आर होगा या एस होगा, यही बताना होता है, ठीक है। और एस का मतलब है सिंसीटर, क्या है सिंसीटर, सिंसीटर का मतलब बायां, और बायां का मतलब एंटी क्लोक वाइज, क्या है एंटी क्लोक वाइज। अब आपको समझ नहीं आ रहा हो एंटी क्लोक वाइज है तो क्या होगा, एस होगा। मान लो ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ ऐसे चार ग्रुप जुड़े हुए हैं, चलो इसको एक नंबर, इसको दो नंबर, इसको तीन नंबर, इसको चार नंबर दे दिया। हमें एक से चार की तरफ जाना है, क्या करना है एक से चार की तरफ जाना है। तो एक से चार की तरफ जा रहे हैं तो हम ऐसे घूम रहे हैं, तो क्या आ गया क्लॉकवाइज आ गया, तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा आर। मान लो हम ऐसे घूम रहे होते तो ऐसे आ जाता तो क्या होता सिंसीटर होता है। तो एक से चार की तरफ जाने का ये एग्जांपल लिखना नहीं है भाई, मैं करवाऊंगी एक एक एग्जांपल, ऐसे ही एग्जांपल बताया है कि आर एस के सिंडल। हमें एक कार्बन से दो की तरफ जाना है हमेशा ही, ठीक है। एक से तीन की तरफ नहीं जाना, गलत हो जाएगा। एक से दो होते हुए चार चले जाना ये सही है, लेकिन एक से तीन होते हुए कभी नहीं जाना। इन चार बातों को डिसाइड कर लो, दिमाग में फिट कर लो आप, कहीं किताबों में नहीं लिखी मिलेंगी और आप किताब में देखोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा। ये नामकरण बहुत सिंपल तरीके से करवा रही हूँ, और लगभग क्या होते हैं बच्चे यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी आता है, बस आर और ऐसी तो बताना है, लेकिन उस या तो कुछ बच्चे उस टॉपिक को पढ़ते ही नहीं है कि ये तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं पढ़ते, और कोई पढ़ता है तो वो गलत करके आता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक दो एग्जांपल लेती हूँ, बाकी हमारी क्लास ऑफ होने वाली है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे एच हो गया, ये सी एच थ्री है, मान लो यहाँ पर ओ एच है और यहाँ एन एच टू है, ये चार ग्रुप है। मैंने आपके लिए कितना आसान बना दिया, मैंने तो ये भी कहा था कि अनुक्रम नियम भी नहीं पढ़ना आपको, बस परमाणु क्रमांक के आधार पर डिसाइड करो। ये परमाणु क्रमांक वाली बात इसलिए बताई ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो OH एक नंबर, NH2 दो नंबर, ये तीन नंबर, और हमें चार पर जाना है। अब देखो हमें एक से चार जाने के लिए इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। अब हम कहाँ कैसे डिसाइड करें कि इधर से जाना है, तो आप यहाँ से डिसाइड करोगे, आप एक से दो होते हुए चार जाओ, एक से दो होते हुए चार जाओ, एक से तीन की तरफ जाना गलत है, एक से तीन की तरफ और चार पर जाना गलत है, एक से तीन जाना गलत है, एक से तीन होते हुए चार पर जाना गलत है। अब आई क्या कुछ बात समझ में मेरी, तो इसलिए ये रास्ता गलत हो गया हमारे लिए। रास्ता कौन सा सही है, ये, और ऐसे आते हैं तो क्या होता है क्लॉकवाइज, तो इसका विन्यास कैसा हो जाता है आर। चलो एक एग्जांपल और करवाती हूँ मैं आपको, ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर और ये चार नंबर, सेम वही कंडीशन आ गई। इसको ऐसे पलट देते हैं अपने, इस सी ओ एच को इधर ले आते हैं और ये एन एच टू इधर चला जाएगा। तो अब एक और दो और ये तीन, देखो
एक रास्ता तो एक से तीन होते हुए चार जाना है, एक दो होते हुए चार जाना है, हमें तो दो होते हुए अपनाना है, तो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ऐसे से शो किया जाता है। तो ये था आरस नामकरण। भाई आज की क्लास का तो टाइम हो गया, अभी इस क्लास का यही समापन करते हैं, बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, मैं वापस से बताऊँगी आपको सारी चीज़ें। धन्यवाद।